मेरे प्यारियो, तुसी ठीक ठाक हो। यीशु तुहानू बहुत प्यार करता है। परमेश्वर हर दिन तुहाडे नाल वचन चों गल करता है। असी लगातार तुहाडे नाल इसराइल दी मुक्ति बारे, इस दी बेदारी बारे गल करदे आ रहे हाँ। परमेश्वर तुहाडे तो उम्मीद करता है कि तुसी इन्हां सब गल्लां लई प्रार्थना करो। ये गलील दा शहर है जिथे यीशु ने बहुत वड्डे वड्डे चमत्कार कीते ते वो चलिया फिरिया ते इत्थे वड्डे वड्डे अचंभे कीते। हनेरी तूफान नू प्रभु ने शांत किया। इत्थे चारे पासे जे वेखो, ये गलील शहर है ते इत्थे तुसी एक बहुत वड्डी झील वेखदे हो। इसे जगह ते परमेश्वर ने वड्डे वड्डे अचंभे ते चमत्कार भी कीते। इस झील दे पानी नू पीण लई उत्तम पानी मन्या जांदा है ते यरदन नदी दा पानी इसे झील विच आके मिलदा है। सारे इसराइल दे लई इस्तेमाल कीता जाण वाला पानी इत्थों ही निकलदा है ते वड्डे वड्डे पहाड़ हन ते इन्हां विच्चों पानी दे स्रोत हर जगह तक पहुँचदे हन। इस जगह नू तिबरियास दे नाम तों भी जाणिया जांदा है ते ये समुंदर दे कंडे स्थित है। बाइबल विच भी इस बारे लिखिया है। बाइबल विच कई जगह तिबरियास दा जिक्र मिलदा है। इस जगह नू वेखण लई दुनिया भर विच्चों सिर्फ मसीही लोग ही नहीं बल्कि गैर मसीही भी इस जगह नू वेखण लई दुनिया दे कोने कोने तों आउंदे हन ते प्रभु दी महिमा करदे हन। इस जगह तों प्रचार करना मेरे लई बड़ी खुशी दी गल है। व्यवस्था सार 30 दी 20 आयत विच एक सुंदर वचन है, तुसी यहोवा अपने परमेश्वर नाल प्रेम रखो, उस दी आवाज़ नू सुनो अते उस दे अंग संग लगे रहो, क्यों जो ओ तुहाडा जीवन अते तुहाडे दिनां दी लमान है। असी सारे इस दुनिया विच लम्मी उम्र तक जीना चाहुंदे हां। कोई भी अजिहा नहीं है जो घट उम्र विच मरण दी इच्छा रखदा होवे। जेकर तुसी 100 साल दे व्यक्ति नू भी वेखो तां ओह वी कहिंदा है मैं मरना नहीं चाहुंदा, अजे होर कुछ समा दुनिया च रहना चाहुंदा हां ते होर बहुत कुछ अजे वेखना चाहुंदा हां। सो सब लोग इसे तरह कहिंदे हन। सो असी सारे लम्मी उम्र जीना चाहुंदे हां। इस लई जेकर असी लम्मी उम्र चाहुंदे हां तां सानू परमेश्वर नाल प्रेम करन दी लोड़ है। प्रभु येसु नाल प्यार करना ते इस दा कारण ए है क्योंकि प्रभु येसु मसीह ने साडी जान दे बदले सलीब ते अपनी जान दी कुर्बानी दे दित्ती। जे उस नाल प्यार करदे हां तां ही लम्मी उम्र जी सकदे हां ते इस दा कारण है कि येसु ने ही साडे पाप, साडे सब सराप, साडे रोग सलीब उत्ते चुक ले, अपना लहू वहाया। लहू विच ही जीवन है, लहू विच ही प्राण है। असी सब ये जानते हाँ येसु मसीह ने साडे सारे पाप अपने उत्ते चुक के सलीब ते चढ़ गया ता कि असी निर्दोष ठहरीए। उसने साडे सब रोगां नू भी सलीब उत्ते उठा लिया ता कि असी तंदुरुस्ती दा जीवन जी सकीए। उसने साडे सब सरापां नू भी अपने उत्ते लै के सलीब ते खुद नू कुरबान कर दिता ता कि असी बरकत पाईए। येसु ने साडे सारे दुखां नू सलीब उत्ते अपने उत्ते झल लिया ता कि सानू खुशी ते आनंद प्रदान करे ते इसे करके अपनी जान दी कुर्बानी दित्ती। उसने मर के मौत उत्ते जित पाई, इस करके ओ सानू लम्मी उम्र प्रदान कर सकदा है। नेचा नाल कहो, हे येसु मेरा जीवन तू है। जेकर नेचा नाले कहोगे तां तुसी अपने अंदर एक नवे जीवन नू, एक नवी ताकत नू ते एक नवी रोशनी नू वेख सकदे हो। ये भी कहना है प्रभु तू ही मेरे लई लम्मी उम्र है ते इस तरह हर दिन तुसी परमेश्वर नू फड़ी रखना है ते प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है ते परमेश्वर दी हजूरी दे विच हर समय बने रहना है। की विश्वास करदे हो? प्रभु ही तुहाडा लम्मा जीवन है, प्रभु ही तुहाडी लम्मी उम्र है, तुहाडी बुद्ध है ते ज्ञान है। सो तुसी विश्वास दे नाल ये कहना है अते ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लई एक लम्मी उम्र प्रदान करेगा ते मैं बरकत जरूर वेखांगा। मेरे लई परमेश्वर सब कुछ भला करेगा। परमेश्वर ने ये साडे लई वादा कीता है कि तुसी पीढ़ियों पीढ़ी उसकी बरकत वेखोगे ते तुसी अपने पुत पोतरियां दी बरकत नू भी वेखोगे। सो परमेश्वर ने सानू लम्मी उम्र देण दा वादा कीता है। सो जेकर तुसी ये कह रहे हो कि इस समस्या दे कारण मैं मर जावांगा, मेरी जिंदगी खत्म हो जावेगी, तां तुसी बिल्कुल नहीं डरना है क्योंकि परमेश्वर तुहाडे नाल है।
हे प्रभु, तू ही मेरे लिए लंबी उम्र है। येसु मसीह दे नाम विच मेरे जीवन विचों सब बीमारियां दूर हो जाण, मैनू बरकत मिले। मेरे दिनां दी लमाण अते सारा कुछ प्रभु तेरे ही हत्थां च है, अज मैं तेरे अगे समर्पण करदा हाँ। मौत दा ए हर तरह दा डर मैथों दूर हो जाए, येसु दे नाम विच मंगदे हाँ। आमीन आमीन।